तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंशुल गुप्ता जी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, आज हम बनाएंगे दही के आलू, जो कि मैनपुरी और एटा में बहुत ही मशहूर होते हैं। तो चलो बनाते हैं, दिखाते हैं आपको वीडियो एंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। तो गाइस, हमने चार आलू लिए हैं, अब इनको हम सबसे पहले उबालेंगे। तो चलो इसे उबाल लेते हैं। हमने कुकर में चार आलू डाल दिए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक गिलास हमने पानी डाला है इसमें। गाइस, अब इसमें एक गिलास और पानी डालेंगे और अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे। अभी इसमें पहले नमक डालेंगे हम, आधा टीस्पून इसमें नमक डाल देते हैं। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो गाइस, हमारा जो आलू है वो चार सीटी में पक जाएंगे। तो चलो चार सीटी का थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो गाइस, इधर जो हमने अदरक काट ली है, मतलब घिस ली अदरक थोड़ी सी, और ये हमने पांच हरी मिर्च काट ली हैं, ये हमने दो छोटे चम्मच बेसन लिया है, और ये हमने एक छोटी कटोरी दही लिया है। तो चलो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, दही के आलू बनाएंगे। तो चलो अब आलू की तरफ देखते हैं, अपने आलू भी पक गए होंगे। गाइस, अब कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। चार सीटी इसमें लग चुकी हैं, आलू चेक करेंगे। अब हम चक्कू लेंगे, चक्कू से इसमें गड़ा के देखेंगे। आलू हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो चलो आलू को बाहर निकाल लेते हैं। बस आलू हमने एक छन्ने में निकाल लिए सारा पानी भी, और ये आलू बाहर आ गए हैं। आलू के छिक्कर उतारेंगे अब हम। तो गाइस, अब जो आलू छील लेते हैं, आलू जो है थोड़े गर्म हैं, इसलिए आराम से छीलना पड़ेगा। बस आलू जो हमने छिक्कर सारे उतार लिए हैं, अब इन आलू को हम फोड़ेंगे, आराम आराम से काटेंगे। तो गाइस, अब जो आलू को थोड़ा थोड़ा इससे चक्कू से काट लेना है, हाथों से ज़्यादा नहीं मैश करना है आपको, चक्कू से ही काटना है। हाथों से जो है ज़्यादा मैश हो जाएंगे, फिर बेकार हो जाएगा सारा मामला। आलू को चक्कू से ही काटें। आलू जो हमारे अच्छे से कट गए हैं। तो गाइस, आलू जो हमने अच्छे से काट लिए हैं, तो चलो बनाते हैं दही के आलू। इधर हमने जो एक कढ़ाई लिया, अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। एक छोटा चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है इसमें। तो गाइस, तेल जो हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें एक टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा भुंज रहा है। तो इसमें मिर्च डाल देते हैं, जो हमने मिर्च काटी थी। चलो गाइस, अब इसमें डाल देते हैं हींग। हमने छोटी सी हींग ली है, छोटी चम्मच हींग डाल दी हमने इसमें। और अब डाल देते हैं इसमें अदरक घिसी हुई, ये हमने अदरक घिसी थी, ये भी डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून हमने इसमें लगभग 1.5 टीस्पून हल्दी डाली है। और अब जो इसमें बेसन डाल देते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से भूंज लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और अब जो है गाइस, इसमें डाल देते हैं आलू जो हमने काटे थे। हमने आलू काटे थे, ये भी डाल देते हैं इसी में। अब आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। बस अब जो इसमें डाल देते हैं नमक 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी में। तब इसमें डाल देते हैं पिसी धनिया 4 चम्मच,
चार चम्मच लगभग पिसी धनिया डाल दिए, ज़्यादा टीस्पून इसमें गरम मसाला, वह ज़्यादा टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। बस अब जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। तो गाइस आपको जो है इसी तरह 2 से 4 मिनट आपको इसी तरह भूनना है आलू मसाले को। आपको अगर सूखे खाने हैं बिना दही के तो आप ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं, और आपको दही मिक्स करना है तो दही भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। हम तो भाई दही वाले आलू बना रहे हैं तो दही ही मिक्स करेंगे इसमें। अब जो इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं, ये हमने इसमें पानी डाल दिया है आलू में। एक गिलास पानी और डाल देते हैं। तो भाई जब पानी में बॉईल आने लगे तभी आपको इसमें दही डालना है। अब 2 से 3 मिनट में इसमें अभी बॉईल आना चालू हो जाएगा, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो गाइस इसमें जो उबाल आने लग गया आप देख सकते हैं, और अब इसी बीच हम डालेंगे दही। ये दही है, अब इसी में हम दही ऐड करेंगे। चम्मच से आपको थोड़ा सा चला लेना है दही को, और अब दही डाल देते हैं इसी में, और एक चमचे से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। ये देखो गाइस हमारे जो दही आलू है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें 2 से 4 मिनट इसमें अभी उबाल आएगा, फिर हमारे जो दही के आलू पक के रेडी हो जाएंगे। तो गाइस इसमें जो अब उबाल आने लग गया है, अब जो इसी बीच हम धनिया डालेंगे। ये देखो, और हमारे जो दही के आलू है बन के हो गए अच्छे से रेडी। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी में। तो गाइस सब्जी बन के होगी बिल्कुल अच्छे से रेडी, ये देखो। और अब आपको लगा के दिखाते हैं एक प्लेट में। तो गाइस हमारे जो दही के आलू है बन के हो गए बिल्कुल रेडी, ये देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। दही के आलू बहुत ही बढ़िया बनते हैं, आप भी अपने घर में जरूर 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 बनाना। चलो मिलते हैं आपको इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जैसे कि आपने देखा दही के आलू बन के हो गए बिल्कुल रेडी, हमने आपको वीडियो रेसिपी दोनों दिखा दी। तो इसके लिए लाइक करना तो बटन बनता है, लाइक का बटन को चलो को सब्सक्राइब करा फूडी वीडियो के लिए। चलो मिलते हैं आपको साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।